गाजियाबाद में 389 तो वहीं नोएडा का AQI 279 रहा है। बढ़ते आगे, बड़ी खबर आपको बता दी, यूपी विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आज आ सकती है। बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की सूची, एनडीए के सहयोगियों के बीच में सीट शेयरिंग पर बनी बात, गहलोत और निषाद पार्टी को एक एक सीट दी जाएगी। उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 अक्टूबर। बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की आज लिस्ट आ सकती है, वहीं एक एक सीट सहयोगियों को दी गई है। रालोद को एक सीट व निषाद पार्टी को एक सीट दी गई है। तो उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों की आज लिस्ट आ सकती है, 8 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। वहीं एक एक सीट एनडीए ने अपने सहयोगी दलों को दिया है। रालोद और निषाद पार्टी को एक एक सीट दी जाएगी। उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन 25 अक्टूबर है और आज माना जा रहा है कि बीजेपी की तरफ से अपने 8 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूपी उपचुनाव से जुड़ी हुई बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की आज लिस्ट आ सकती है। वहीं एक सीट रालोद और एक सीट निषाद पार्टी को दी गई है। तो तमाम मंथन के बाद गहमागहमी के बीच 8 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, वहीं 2 सीटें सहयोगी दलों को दी जाएगी। अभी तक माना जा रहा था कि 9 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन जिस तरह से लगातार दिल्ली में मंथन हुआ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और संजय निषाद गृहमंत्री अमित शाह से मिलने के लिए भी पहुंचे थे, तमाम मंथन के बाद 8 सीटों पर यह तय हुआ है कि बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। वहीं एक सीट रालोद को और एक सीट निषाद पार्टी को दी जाएगी और 8 उम्मीदवारों की लिस्ट आज बीजेपी की तरफ से जारी की जा सकती है। 25 अक्टूबर यानी कि कल नामांकन की आखिरी तारीख है और उससे पहले आज बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जा सकती है। तो यूपी उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रही है, बीजेपी के 8 उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी हो सकती है। वहीं एक सीट रालोद तो एक सीट निषाद पार्टी को दी गई है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अविनाश, तमाम गहमागहमी के बाद आज माना जा रहा है कि 8 सीटों पर बीजेपी अपने उम्मीदवार उतार सकती है, लिस्ट जारी कर सकती है। बिल्कुल, देखिए क्योंकि कल नामांकन का आखिरी दिन है और आज बीजेपी के उम्मीदवारों का नाम तय होना बिल्कुल फाइनल माना जा रहा है। हालांकि ये कल ही संभावित था कि कल रात में बीजेपी अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, लेकिन किन्हीं वजहों से कल रात में लिस्ट जारी नहीं हो पाई, लेकिन आज चूंकि लिस्ट जारी होने वाली है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो एक उहाफोह की स्थिति देखी जा रही है सीट बंटवारे को लेकर, क्योंकि अगर हम संजय निषाद की बात करें तो वो मझवा और कटहरी में से एक सीट चाहते हैं और इसी सीट को लेकर वो दिल्ली में डटे हुए हैं, दिल्ली में बीजेपी के जो तमाम बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन जब आज लिस्ट जारी होगी तो देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी अपने सहयोगी निषाद पार्टी को टिकट देती है या नहीं देती है, क्योंकि देखिए अगर हम बात करें 9 सीटों की, तो चूंकि एक जो मीरापुर सीट है उस पर पहले से ही आरएलडी का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। मझवा और कटहरी पर चूंकि संजय निषाद पहले से दावा कर रहे हैं, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर हम इस उपचुनाव की बात करें तो चूंकि आरएलडी की जो सीट है वो पहले आरएलडी की मीरापुर की जो सीट थी आरएलडी की सीट हुआ करती थी, तो वैसे में आरएलडी को देना स्वाभाविक सा हो जाता है। लेकिन अगर हम बाकी सहयोगियों की बात करें तो इस उपचुनाव में बीजेपी ना तो अपना दल को कोई टिकट दे रही है, ना ही सुभाषपा की तरफ से कोई दावेदारी की जा रही है। तो वैसे में देखने वाली बात यह होगी कि आज जब टिकट का बंटवारा किया जाएगा तो उसमें निषाद पार्टी को जगह मिलती है या नहीं मिलती है। हालांकि जो बीजेपी के सोर्सेज हैं वो ये भी बता रहे हैं कि हो सकता है कि अगर निषाद पार्टी को बीजेपी टिकट दे भी तो जो सिंपल होगा वो बीजेपी का होगा, निषाद पार्टी अपना प्रत्याशी वहां से उतार सकती है 2 में से किसी सीट पर, चाहे वो मझवा की सीट हो सकती है या फिर अंबेडकर नगर की जो सीट है वो कटहरी हो सकती है। तो ये अभी तक का समीकरण है और माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर में जो भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट है 8 उम्मीदवारों की, चूंकि एक उम्मीदवार आरएलडी की तरफ से घोषित किया जाएगा, तो जो 8 उम्मीदवारों की लिस्ट है वो कभी भी आ सकती है। ठीक है अविनाश, लगातार आप हमारे साथ बन रही, आगे भी हम आपके पास आएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि